जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नॉर्थ कोरिया सीरीज के 6 और लास्ट पार्ट में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे पिछले पार्ट में दिल से सराहा। मैं तो अपने पैशन के लिए ट्रैवल किया करता था और कुछ प्यारे दोस्तों के कहने पर मैं इन वीडियोस के द्वारा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने लगा। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरे किसी वाक्य से किसी के दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यद्यपि प्योंगयांग सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ की वायु प्रदूषित है, जिसका मुख्य कारण है यह थर्मल पावर प्लांट जो प्योंगयांग सिटी की इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का मुख्य स्रोत है। चलिए और भी बातें जानते हैं इस मिस्टीरियस कंट्री के बारे में। हेलो, हमने ये भी सुना है कि नॉर्थ कोरिया में लोग अपने नेशनल एंथम के अलावा कोई म्यूज़िक नहीं सुनते या वो सुन नहीं सकते, गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ नहीं कर रखा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर लोग म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं और यहाँ पर करोके का बहुत चलन है, आप देख सकते हैं। तो ये लोग म्यूज़िक सुनते हैं, अलग अलग गाने सुनते हैं, अपने नॉर्थ कोरिया के भी सुनते हैं, इंडियन गाने भी सुनते हैं। प्योंगयांग में एक बड़ा थिएटर भी है जहाँ पर कभी कभी इंडियन मूवीज़ भी लगती हैं, जो कि इंडियन सिनेमा के लिए एक गर्व की बात है। बजरंगी भाईजान, बॉडीगार्ड और बाहुबली मूवीज़ यहाँ बहुत फेमस हैं। अगर आपका टूर ज़्यादा दिनों का है तो आप मूवी भी देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग का कुल क्षेत्रफल 2000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी आबादी 35 लाख है। नॉर्थ कोरिया में ऑफिस टाइमिंग्स 9 AM to 6 PM है, जिसमें 2 आवर्स का लंच ब्रेक होता है। यहाँ रिटायरमेंट की उम्र 60 ईयर्स है। नॉर्थ कोरिया में नागरिकों के लिए मेडिकल सर्विसेज फ्री हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए यह बहुत महंगी है। तो यदि आप नॉर्थ कोरिया आने का प्लान करें तो अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा कर जाएं। प्योंगयांग का फर्स्ट मे स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहाँ 1.5 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अगर आप किसी नॉर्थ कोरियन सिटीजन से पूछेंगे कि वो अपने देश से बाहर घूमने क्यों नहीं जाते तो वो कहेंगे कि हमारा देश बहुत सुंदर है और हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सच तो यह है कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वह किसी और कंट्री में जाकर घूम सकें। आज भी यहाँ पैसे की बजाय ज़्यादातर कूपन्स में सैलरी मिलती है, जिससे नागरिक खरीद फरोख्त कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट का कहना है कि उनकी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, जबकि ऐसा नहीं है। चाइना, इंडिया, USA और रशिया के बाद वर्ल्ड में नॉर्थ कोरिया की आर्मी 5वें नंबर पर आती है। ये लोग आज चाइना के चेयरमैन शी जिनपिंग को सी ऑफ करने आए हैं, जो 21 से 22 जून 2019 को अपनी नॉर्थ कोरिया यात्रा पर थे। ये नॉर्थ कोरिया में 14 सालों बाद किसी चाइनीज चेयरमैन की यात्रा थी। नॉर्थ कोरिया में लव मैरिजेस का चलन भी है, जहां मैरिज के लिए लड़कियों की एवरेज एज 23 से 27 वर्ष है और लड़कों की एवरेज एज 27 से 31 वर्ष है। मैरिज फंक्शन एक दिन का होता है और यहां लड़के और लड़की के घर वाले उसमें होने वाले खर्चे को बराबर शेयर करते हैं। यह है क्वांगबॉक सुपरमार्केट, जो प्योंगयांग की सबसे बड़ी सुपरमार्केट है, जिसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट को लोकल करेंसी यूज़ करना अलाउ है। नॉर्थ कोरिया की करेंसी वॉन है, जो टूरिस्ट को नॉर्थ कोरिया से बाहर ले जाना अलाउ नहीं है। इंडिया का 1 रुपया 109 कोरियन वॉन के बराबर होता है।
ग्रैंड पीपल स्टडी हाउस एक पब्लिक लाइब्रेरी है जो सन 1982 में बनाई गई थी, जहां लगभग 3 करोड़ बुक्स की कलेक्शन है और एक बड़ा कंप्यूटर स्टडी रूम है। कंप्यूटर स्टडी नॉर्थ कोरिया में मस्ट है और कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स करने वालों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। नॉर्थ कोरिया की पूरी कहानी प्रेसिडेंट किम इल संग के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यह स्टैचू प्रेसिडेंट किम इल संग और किम जोंग इल के हैं। यह जगह नॉर्थ कोरिया की पवित्र जगहों में से एक है। शादी के बाद लड़का और लड़की सबसे पहले यहाँ आते हैं और यहाँ के लोगों की तरह टूरिस्ट को भी इन स्टैचूज को सम्मान देना पड़ता है। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया वालों ने साउथ कोरिया के लोगों को लुभाने के लिए बनाई थी, ताकि वो यहाँ आकर रह सकें। और यूट्यूब पे हमने देखा कि कहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट पूरी खाली पड़ी है, यहाँ कोई रहता नहीं, बस दूसरी दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने बना रखी है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे लेवल के लोग हैं उनके लिए घर प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस में टोफू, राइस, नूडल, सूप, सैलेड, स्वीट्स, किमची अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी टूर कंपनी को वेज फूड के लिए इन्फॉर्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नॉर्थ कोरिया का नेशनल फूड कोल्ड नूडल है और किमची यहाँ की एक फेमस डिश है जो बंद गोभी के अचार के जैसी होती है। नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा टीवी चैनल भी है जिसमें पूरा दिन मार्शल किम जोंग उनकी एक्टिविटीज को ही दिखाते रहते हैं। हमें प्योंगयांग के एक बियर बार में, जहाँ पर बहुत तरह की बियर मिलती हैं, कुछ तरह तरह की वैरायटी है, चलिए देखते हैं यहाँ कौन सी स्पेशल बियर्स हैं। एक मिथ ये भी है कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो लॉन्ग हेयर नहीं रख सकती। अनमैरिड लड़कियों को शॉर्ट हेयर रखने हैं और मैरिड लड़कियों को लॉन्ग हेयर रखने हैं। फैक्ट ये है कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो जैसे हेयर चाहें वो रख सकती हैं, जो मैरिड हैं वो जैसे चाहें हेयर रख सकती हैं। लाइक शी इज़ आवर गाइड, कोरियन गाइड मिस हैन, एंड शी इज़ नॉट मैरिड एंड शी हैज़ लॉन्ग हेयर, यू कैन सी। So the title is, yes, see you again. Yeah, see you again. Okay.
बात करते हैं टाइम जोन की। ये भी एक मिथ है कि इनका अपना एक टाइम जोन है, पर ऐसा कुछ नहीं है, इनका अपना कोई टाइम जोन नहीं है। ये ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से ही चलते हैं और इंडिया से ये कोई 3.5 घंटे आगे हैं। थैंक यू। यह बात सत्य है कि नॉर्थ कोरिया में नागरिक कार नहीं खरीद सकते। यहाँ जितनी भी कारें आप देख रहे हैं वह सब गवर्नमेंट की है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ की गवर्नमेंट पुरस्कार के रूप में पर्सनल कार दे देती है। एक मिथ ये भी है कि आप DPRK में मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन लेके आ सकते हैं, आप कैमरा भी लेके आ सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन यहाँ काम नहीं करेगा वो अलग बात है, वाईफाई यहाँ पर नहीं है। अगर आपको किसी की फ़ोटो लेनी है तो आप ले सकते हैं, पर उससे पूछ के। अगर हम अपनी कंट्री में भी हैं और आके कोई हमारी फ़ोटो लेने लग जाएगा तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। तो अगर आपको किसी की फ़ोटो लेनी है आप उससे पूछ लीजिए, तो 99% लोग हाँ ही कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं फ़ोटो खिंचवा के। और बात रही भिखारी की फ़ोटो, सर यहाँ भिखारी नहीं है। बहुत दूर तक कोई 1000 किलोमीटर लगभग ट्रैवल किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भिखारी मैंने नहीं देखा। तो फ़ोटो आप ले सकते हैं, कैमरा आप ला सकते हैं, मोबाइल फ़ोन आप ला सकते हैं, फैक्ट ये है। या गांजा यहाँ पर लीगल नहीं है, तो ये भी एक मिथ है कि नॉर्थ कोरिया में जो है वीड लीगल है या गांजा लीगल है। यहाँ पर वीड या गांजा लीगल नहीं है। थैंक यू। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट डाटा और सिम कार्ड के लिए कोरियोलिंक कंपनी का सिम कार्ड खरीद सकता है, लेकिन उसकी कीमत लगभग 20,000 इंडियन रुपीज़ है, जो कि समझ से बहुत बाहर की बात है। नॉर्थ कोरिया का कंट्री कोड +850 है। मैं प्योंगयांग में बीजिंग से बाय एयर गया था और आते हुए बाय ट्रेन आया, जिससे मैं एयर और ट्रेन दोनों रूट्स का एक्सपीरियंस ले सकूं। ट्रेन प्योंगयांग से 6 आवर्स में चाइना की बॉर्डर सिटी डेंडोंग पर पहुंचा देती है। डेंडोंग से बीजिंग का सफ़र ट्रेन से 15 आवर्स का है। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप थकना नहीं चाहते तो बाय एयर ही आना जाना प्रेफर करें। बाय एयर बीजिंग से प्योंगयांग आने और जाने का सफ़र 2 आवर्स का है। नॉर्थ कोरिया जाने के लिए बेस्ट सूटेबल टाइम मार्च से मई और सितंबर से नवंबर है, जबकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अप्रैल महीने में आता है, क्योंकि इस महीने में प्रेसिडेंट किम इल संग का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन मिस हैन है हमारे साथ और ये एक आंसर देंगी कि हर किसी को 13 साल के लिए आर्मी में जॉब करना कंपलसरी है। Is it true that everybody has to serve in army for 13 years? No, it's compulsory. It's full story. Okay, तो ये कंपलसरी नहीं है कि सबको आर्मी में 13 साल के लिए जॉब करनी पड़ती है। चाहे तो आर्मी में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आर्मी की जॉब है उसमें बहुत से बेनिफिट इन लोगों को मिलते हैं और बहुत सी प्रायोरिटीज़ इनको मिलती हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो आर्मी में जॉब करना प्राउड की बात समझते हैं। इंटरनेट को ये लोग इंटरनेट कहते हैं और ये लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उसमें ये म्यूज़िक और न्यूज़पेपर, और अगर इनको जैसे इंडिया के लिए इंडिया के बारे में सर्च करना है तो उस इंटरनेट में ये लोग सर्च कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप और कुछ भी ऐसा, फेसबुक ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। चलिए देखते हैं इनका इंटरनेट कैसा है।
we could play games and download the programs, books, music. Can you open the music, please? Okay. Actually, my boy. Greeting और gestures के बारे में बात करते हैं. So how you say hello? Annyeonghaseyo. And for thank you. 감사합니다. 감사합니다. And for sorry. 미안합니다. 미안합니다. So welcome. 반갑습니다. 반갑습니다. Anything I am missing? Baekju, beer. Beer. Baekju. 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 One more beer. One more beer. Baekju. Baekju 하나 더. Baekju 하나 더. One more beer. Baekju 하나 더. इस टूर पर मेरे ग्रुप के सभी दोस्तों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं भी आप सब लोगों की तरह ही YouTube पर नॉर्थ कोरिया को देखा करता था, जिसकी क्यूरियोसिटी मुझे वहां ले गई. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट को वही दिखाया जाता है जो वहां की गवर्नमेंट दिखाना चाहती है. हो सकता है यह बात कुछ हद तक सत्य हो, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि टूरिस्ट की आंखों पर वहां पट्टी नहीं बांधी जाती. और अगर कुछ टूरिस्ट को दिखाने के लिए वहां की गवर्नमेंट 2000 स्क्वायर किलोमीटर का मॉन्यूमेंट से भरा शहर बना सकती है, तो वह कंट्री शायद बहुत अमीर होनी चाहिए. दुनिया में सुसाइड करने वालों की रैंक में नॉर्थ कोरिया का 68वां नंबर है, जबकि साउथ कोरिया 10वें नंबर पर आता है. अब उन लोगों को यह लगेगा कि शायद सुसाइड की बात नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट पता नहीं लगने देती, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को तो मार्शल किम जोंग उनके बेडरूम तक की भी खबर है, तो यह खबर क्यों नहीं. आप यदि चाहें तो टूर कंपनी के साथ अपना इंडिविजुअल पैकेज भी बुक करवा सकते हैं, जिसमें आप अपनी आइटनरी टूर कंपनी के साथ मिलकर खुद से प्लान कर सकते हैं कि कंट्री में आपको कब और कहाँ जाना है. नॉर्थ कोरिया में एंट्री करने के बाद टूरिस्ट का पासपोर्ट और वीज़ा टूर कंपनी द्वारा रख लिया जाता है, जो वापसी लौटते समय उसको दे दिया जाता है. कुल मिलाकर अगर हम नॉर्थ कोरिया की प्रशासन पद्धति पर बहस ना करें तो यह जगह इतनी बुरी भी नहीं है जितनी हम सुनते आए हैं. चलिए अब किसी दूसरे देश की सैर पर मिलेंगे. जय हिंद. आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें. थैंक यू.